शिक्षा के जिससे जीवन में उजियारा है, शिक्षा हमसे छूट गई तो बहनों हम आज सीखेंगे एक अक्षर थ और औ की मात्रा। एक छोटी सी थाली यहाँ रखो, फिर एक दूसरी थाली यहाँ इसके नीचे, इसके पास रख दो एक डोई और ये दूसरी डोई ऐसे। देखो ये लगने लगा अक्षर थ। एक बार फिर देखो, थाली थ। नमस्कार बहनों, लो जी मैं तो फिर आ गई। तुम लोग तैयार हो ना दूसरा अक्षर सीखने के लिए? हाँ तो भाई आज हम लोग सीखेंगे अक्षर थ। इसको लिखना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिखाऊं? चलो देखो, पहले ये बनाया गोला ऐसे, घूमी हुई लकीर उससे मिलाकर एक और घूमी हुई लकीर बनाई यूं, वही पुराना खड़ा डंडा ऐसे, वही छत वाली लकीर, बस बन गया अक्षर था। मुश्किल नहीं था ना, आसान था ना? अच्छा एक बार फिर देखते हैं। समझ आ गया ना, ये बन गया अक्षर था। अच्छा मैं चलूं? अरे नहीं 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 नहीं, तुम मत जाना, तुम थोड़ी देर लिख कर फिर जाना, फिर कुछ करना। अच्छा मैं अभी चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ अब... अरे सुधा तेरा सपना सच हो गया, प्रेम ने। मुझे पता है मौसी, इसीलिए तुझे बताने आई हूँ कि आज शाम को टेलीविजन पर प्रेम को देख लेना। अच्छा अरे पर रात को क्यों, अभी क्यों नहीं? हर बात का समय होता है मौसी, तुझे पता है इस खेल में एशिया भर के देश शामिल हो रहे हैं। होंगे पर हमारे भारत वर्ष से बड़ा थोड़ी है तेरा ये एशिया। है मौसी है। रहने दे सुधा, मैं तेरी हर बात मानूं पर ये ना मानती कि हमारे भारत वर्ष से भी बड़ा कोई और देश है। अच्छा मौसी मत मान, पर तेरा बेटा जीता है, मुझे लड्डू तो खिला दे। अरे लड्डू तुझसे ज्यादा प्यारे थोड़ी है, ये ले मुंह भर भर खा। अरे और ले। अब नहीं। वो क्या, अरे तेरे जितनी थी मैं तो एक बेर में सवा शेर लड्डू खा जाती थी। हाँ तभी तो तू इतनी कड़क है। और क्या, इस कौवे की काए काए से परेशान मत होना, आज ये भी हमें पढ़ने में मदद देगा। देखो इस अ के डंडे को तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर अगर हम कौवे की चोंच रख दें तो वो बन जाएगा औ की मात्रा। एक बार फिर देखो, आ के डंडे पर रखी हुई कौवे की चोंच औ की मात्रा। अरे रे 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 कहाँ चली भाई, मैंने कहा था ना मैं फिर आऊंगी। देखो अब मैं जो तुम्हें सिखाने जा रही हूँ वो है औ की मात्रा। बहुत ही आसान है, बड़े औ की मात्रा है, लिखे। चलो देखो, इसमें सबसे पहले ये खड़ा डंडा बनाया यूं, उसके ऊपर ये एक बिंदी बनाई ऐसे, और उससे मिलाकर ये टेढ़ी लकीर यूं। अब उसके बराबर बिल्कुल वैसी ही बिंदी और लकीर यूं, फिर वही प्यारी सी छत वाली लकीर,
ये बन गई औ की मात्रा, बड़े औ की। आसान है ना? साथियों, आज का दिन हमारे गांव के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। जाहिर है कि इस अवसर पर सभी बोलना चाहेंगे, मगर पंचों का फैसला यह है कि आज केवल 3 लोग अपने विचार गांव वालों के सामने रखेंगे, और वो लोग हैं पंडित जी, हमारे गांव की मास्टरनी गीता जी और मैं। तो सबसे पहले मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार गांव वालों के सामने रखें। साथियों, मुझे भाषण देना नहीं आता, इसलिए नहीं कि मैंने कभी भाषण नहीं दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने भाषण कभी सुना नहीं। मैं केवल एक बात जानता हूं कि हमारा देश पूरी दुनिया में मशहूर था, और इसका कारण था हमारी परंपरा, आपसी भाईचारा, साफ जल और अच्छी हवा। ये 3 बातें ही हमारी शक्ति का त्रिशूल हैं। प्रेम सिंह की सफलता पर पूरे गांव को गर्व भी है और आश्चर्य भी, लेकिन मुझे केवल गर्व है, आश्चर्य नहीं। जब उसकी उम्र के बालक सोए पड़े होते थे तो वो खेतों में दौड़ लगाता था, लाठी फेंकता था, वो गांव की शुद्ध हवा में पलकर जवान हुआ था। मैं ये चाहूंगा कि हमारे बच्चे भी प्रेम की तरह मेहनत करें, और हम अपने घर गलियारों को साफ रखें, पेड़ ना काटें। बस मुझे आप लोगों से इतना ही कहना है, धन्यवाद। भाइयों और बहनों, प्रेम ने अपनी मेहनत और लगन से इस छोटे से गांव को पूरे देश का ताज बना दिया है, और इस शुभ अवसर पर मैं आप सब से एक विनती करना चाहती हूँ। आप सब तो जानते ही हैं, यहाँ तक के आसपास के गांव वाले भी जानते हैं कि हमारा स्कूल एक बेहतरीन स्कूल है, मगर हमारे छात्रों के पास खेलने कूदने के लिए कोई जगह नहीं। अगर इस विषय पर आप सब विचार करें तो मैं आप सबकी बहुत आभारी रहूंगी। धन्यवाद। सरपंच महोदय, मेरा खेत स्कूल के बराबर में है, मैं अपना खेत स्कूल को देता हूँ। रमजानी, तुम्हारी उपजाऊ जमीन पर खेल का मैदान बने, ये कोई ठीक बात नहीं है। पंचायत के पास ऐसी जमीन है जहां कुछ पैदा नहीं होता, हम वहां एक अच्छा खासा खेल का मैदान बनाकर गीता जी को दे देंगे। प्रेम बेटे की सफलता के बारे में जो लोगों ने कहा, वो सब जैसे मेरे अपने हृदय की आवाज थी। वो जब भी कभी छुट्टी पर गांव आएगा, हम उसका ऐसा अभिनंदन करेंगे जैसा कोई भी मां अपने सपूत का कर सकती है। अब और ज्यादा कुछ न कहकर मैं अपनी तरफ से और आप सब लोगों की ओर से प्रेम की मां सीता देवी यानी कि आपकी मौसी को बधाई देता हूं, और ये कामना करता हूं, ये दुआ मांगता हूं कि हर मां ऐसा ही सपूत पैदा किया करे। इस नई नवेली दुल्हन की नथ कितनी सुंदर लग रही है। नथ, न थ नथ, ये है थैला, थ आई ल आ थैला। थैला भी कितने काम की चीज होता है, सब कुछ अपने में समेट लेता है। ये है भोजन की थाली, थ आ ल ई थाली। काय काय
काए 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 का आओ व आ कौवा चौकी च आओ क ई चौकी। बैठने के बहुत सारे साधनों में एक चौकी भी होती है। द आओ ड दौड़। बच्चों के लिए भागना दौड़ना बहुत जरूरी है। दौड़। मेरी प्यारी प्यारी माँ, तेरे आशीर्वाद से मुझे बड़ी सफलता मिली है, स्वर्ण पदक जीता है। मेरे अफसर भी मुझसे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी बहुत जल्द तरक्की भी हो जाएगी। मैं जब दौड़ने जा रहा था तो ऐसा लगा जैसे जीतने वाली रेखा के पार तू बैठी है और मुझसे कह रही है कि प्रेम आ जाए मेरे चरणों तक। और बस यही हुआ माँ, तेरे आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी यूनिट में सारे साथी और अफसर भी मेरा बड़ा आदर करने लगे हैं। मैं इस दिवाली पे तेरे चरण छूने आऊँगा। कभी कभी तो बहुत याद आती है माँ, तेरा प्रेम। अरे मौसी, ये क्या तू रोने लगी? अरे तो मेरे ये आंसू भी तो खुशी के हैं। मौसी, लगता है इस बार की दिवाली हमारे गांव की सबसे अच्छी दिवाली होगी, है ना? हाँ, अब की प्रेम आवेगा ना तो उसे एक और खुशी मिलेगी। हो गया मौसी? अरे भूल गई, दिवाली के 15 दिन बाद तेरा ब्याह नहीं है, वो भी इस खुशी में शामिल हो जाएगा। मौसी, तो हर बात में मेरे विवाह की बात क्यों बीच में ले आती है? बस मौसी, मुझे अपने विवाह की बात से कोई खुशी नहीं है। न था नद, थ ना थन, था क ना थकन, थ ऐ ल आ थैला, थ आ ल परे की मात्रा थाली, दा औ की मात्रा ला दौड़, क औ की मात्रा व आ का डंडा कौवा, च औ की मात्रा क बड़ी की मात्रा चौकी, चा औ की मात्रा पा आ का डंडा ला चौपाल, च औ की मात्रा र आ का डंडा ह आ का डंडा चौराहा। शिक्षा दी चला